ओम नमः श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वप्रथमं समेभ्यः विश्वविद्यालय परिवार सदस्येभ्यः त्रिसप्ततितमस्य भारतीय गणतंत्र पर्वणो अनंत वर्धापनम् अभिनंदनम् मंगलकामनाश्च। इदानीन्तम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः सम्मान्याः श्रद्धेयाः कुलपति महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् एषां पुण्यनाम्ना संस्थापितो अयं विश्वविद्यालयः तेषां श्री लाल बहादुर शास्त्री वर्याणां पावन प्रतिमायां पुष्पांजलि प्रदानाय प्रार्थ्यन्ते अस्माकं श्रद्धेयाः कुलपतिवर्याः। समकालमेव भारतस्य गौरवभूतस्य अस्माकं समेषां स्वाभिमानसंवाहकस्य समग्रेपि भारते श्रद्धया सम्पूजितस्य राष्ट्रध्वजस्य विस्तृते निर्मले च नभसि सोत्साहेन सोल्लासेन राष्ट्रध्वजस्य समुत्तोलनाय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की, भारत माता की। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। कार्यक्रमस्य शुभारंभार्थम अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वेद विभाग से आचार्याः सुंदर नारायण झा महोदयाः निवेद्यन्ते यत् मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य शुभारंभम् आचरन्तु। हरिः ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मा वर्चासि जायता राष्ट्रे राजन्याः शूरा इह व्योतिव्याधीमः रथो जायतां दोग्ध्रीधे दुर्बोधा नद्वानासोः सप्तिः पुरं धिर्जोखा जिष्णुराथेष्ठाः सभेयो जुवास्या जाजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनाः पर्जन्यो बारे खातु फालावत्यो न ओखाधायाः पच्यं तां जोगक्षेमो नः कल्पतां हरिः ओम। अस्य मन्त्रस्य हिंदी पद्यानुवादः प्रस्तूयते। ब्रह्मन् सुराष्ट्रमेहो द्विज ब्रह्म तेजधारी
क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी होवे, दुधारु गौवे पशु अश्व आशुबाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो धरती अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। वैदिक मंगलाचरण आचर बद्भ्यः डॉक्टर सुंदर नारायण झा महोदयेभ्यः सादरं धन्यवादः। अतः परम अद्य अस्माकं मुख्यातिथि महोदयानां श्रद्धेयानां कुलपति महोदयानां पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतार्थं प्रार्थ्यन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः प्रोफेसर आर के पांडे महाभागाः। वाचिक स्वागतार्थं स्वागत भाषणाय निवेद्यन्ते एनसीसी अधिकारिणः लेफ्टिनेंट मान्याः अभिषेक तिवारी वर्याः। ते अत्रागत्य समागतानां समेषां स्वागतम् आचरन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय, विद्यापीठ के पूर्व कुलपति महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी संकाय प्रमुख महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय, एनसीसी की महिला विंग की अध्यक्ष कैप्टन प्रोफेसर मीनू कश्यप जी, संचालक महोदय श्रीमान प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, समस्त आचार्य कुल के सदस्य, अधिकारी गण, कर्मचारी गण, विद्यार्थियों, अतिथियों, सर्वप्रथम मैं 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामना प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से भी और विश्वविद्यालय की तरफ से भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ conjoint communicated experience, it is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. ये statement बड़ा relevant है इस बात में कि वास्तव में ये statement बताता है कि democracy जो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, उसकी वास्तविक आत्मा क्या है। उसकी आत्मा यह है कि हम लोगों का सम्मान करें, हम लोगों की ओपिनियंस का रेस्पेक्ट करें, और यदि हम सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान हमें मिलेगा, क्योंकि प्रणाम का जो परिणाम होता है वो आशीर्वाद ही होता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना एक बार फिर से प्रेषित करता हूँ।
अब मैं एनसीसी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। एनसीसी की रिपोर्ट बेसिकली 26 जनवरी को यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है और 26 जनवरी का दिन विश्वविद्यालय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खास करके हमारे कैडेट्स के लिए, क्योंकि आज के दिन कैडेट्स को पुरस्कार वितरण होता है जो कि 2 सालों से नहीं हो पा रहा है। हमारे विद्यार्थी बहुत ही कमिटेड हैं और वो जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनको कहना नहीं पड़ता है, बिना कहे हुए ही वो अपने जो उनका कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। श्रीमान जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 25 कैडेट्स ने 7 दिल्ली बटालियन एनसीसी भवन रोहिणी नई दिल्ली द्वारा आयोजित एटीसी कैंप में भाग लिया, जो कि 3 फरवरी से 8 फरवरी 2021 तक चला। विश्वविद्यालय के कैडेट्स द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर दिनांक 22 मार्च 2021 को वाटर कंजर्वेशन नीड ऑफ द आर विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें विद्यार्थियों ने जल संरक्षण के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया। हमारे ही विश्वविद्यालय के कैडेट CHM शुभम तथा सार्जेंट अंकुर ने दिनांक 13 अप्रैल 2021 को लाल किला नई दिल्ली के पास निम्न क्रियाकलापों में भाग लिया। नंबर 1, प्लॉग रन ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जलियावाला बाग, इसमें मैं भी था इस कार्यक्रम में। और दूसरा जो कार्यक्रम था वो नुक्कड़ नाटक का एक आयोजन हुआ था, जिसका विषय था नो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। और इसमें जो ये नुक्कड़ नाटक हुआ था, इसमें सूत्रधार मैनेजर की जो भूमिका थी वो विद्यापीठ के ही सीनियर अंडर ऑफिसर उस समय CHM थे शुभम, इन्होंने इसमें सूत्रधार की भूमिका अदा की। एक कैडेट ने 5DBN NCC तथा ओडिशा डायरेक्टरेट द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑनलाइन कैंप में भाग लिया, जो कि 19 अप्रैल 2021 से 23 अप्रैल 2021 तक चला। 3 कैडेट्स ने उड़ीसा डायरेक्टरेट तथा दिल्ली डायरेक्टरेट द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑनलाइन कैंप में भाग लिया, जो कि 26 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक चला। पुनः विश्वविद्यालय के एक कैडेट ने 7 दिल्ली बटालियन नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में भाग लिया, जो कि 21 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक चला। हमारे विश्वविद्यालय के 24 कैडेट्स ने 7 दिल्ली बटालियन एनसीसी भवन रोहिणी द्वारा आयोजित एनुअल ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया, जो कि 30 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक चला। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो उल्लेखनीय बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के CHM शुभम इसमें कैंप सीनियर थे, और सर इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोमिनेंट कॉलेजेस के भी NCC के छात्र शामिल हुए थे, और उनके बीच में विद्यापीठ का छात्र जो है कैंप सीनियर था, पूरे कैंप का प्रमुख। एक कैडेट ने 6DBN NCC द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में भाग लिया, जो कि 25 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक चला। जूनियर अंडर ऑफिसर अंकुर ने ऑल इंडिया NCC ट्रैकिंग एक्सपेडिशन 2021 में दिनांक 9 अक्टूबर 2021 से 16 अक्टूबर 2021 तक भाग लिया, जिसका आयोजन UP डायरेक्टरेट गोरखपुर ग्रुप 51 UP बटालियन NCC बलरामपुर द्वारा किया गया। एक कैडेट ने महाराष्ट्र डायरेक्टरेट द्वारा आयोजित शिवाजी ट्रायल ट्रेकिंग कैंप कोल्हापुर में भाग लिया, जो कि 27 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक चला। श्री लाल बहादुर शास्त्री
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की चुने हुए कैडेट्स को दिनांक 18 नवंबर 2021 को उनकी रैंक प्रदान की गई। जूनियर अंडर ऑफिसर सौरभ तथा सीएचएम विवेक जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेकिंग कैंप गया बिहार में 3 दिसंबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक भाग लिया। 3 जनवरी 2022 को कमान अधिकारी 7 दिल्ली बटालियन कर्नल ओपी रॉय द्वारा और उनकी टीम द्वारा शास्त्री और बीए के प्रथम वर्ष के कैडेट्स का चयन प्रक्रिया एनसीसी भवन रोहिणी नई दिल्ली में संपन्न हुई। 12 जनवरी 2022 को 7 दिल्ली बटालियन द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत इंडिजेनस स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने भाषण, कविता पाठ, चित्रकारी इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सार्जेंट आकाश को चित्रकारी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। वर्तमान में एक बड़े ही हर्ष का विषय है कि वर्तमान में हमारे कैडेट सौरभ रयाल दिनांक 28 जनवरी 2022 को होने वाली पीएम रैली में करियप्पा ग्राउंड में अपनी कल्चरल प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति देंगे। ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है। और इसके अतिरिक्त विद्यापीठ के कैडेट्स, महिला विंग और पुरुष विंग, दोनों विंग के कैडेट्स सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और जब भी उनको बुलाया जाता है किसी भी काम के लिए तो एनी टाइम दे आर अवेलेबल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे बड़े ही ध्यान से सुना। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक तिवारी वर्याः भवद्भिः तावत् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य एनसीसी कार्यक्रमस्य विवरणम् अत्यन्तं सारल्येन सारभूतेन वर्णितम्। अद्य अस्य दिवसस्य अयं गणतन्त्रदिवसः न केवलं भारते अपि तु सम्पूर्णदेशे सम्पूर्णविदेशेष्वपि यत्र भारतीयाः विराजन्ते तत्र अत्यन्तम् उत्साहेन उल्लासेन अयं दिवसः परिपाल्यते आयोज्यते। अस्य पर्वणः महत्त्वम् अस्माभिः सर्वैः समनुभूयते, यतः जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के 50-19-100 आङ्ग्लवर्षे अस्मिन्नेव दिवसे भारते गणतन्त्रस्य स्थापना जाता। भारत स्वतंत्र भारतस्य गणतंत्र रूपेण उद्घोषणा अस्मिन्नेव दिवसे जाता। अस्मिन्नेव दिवसे भारते तावत् संविधानस्य प्रवर्तनं जातम्। अतः अयं दिवसः अस्माकं समेषां भारतीयानां कृते अत्यन्तं महत्वपूर्ण रूपेण अत्यन्तं महत्वपूर्ण दिवस रूपेण अस्माभिः सर्वैः आयोज्यते। वस्तुतः अद्य यः दिवसः अस्माकं पुरतः विराजते अस्य प्राप्तिः सारल्येन सहजतया अस्माभिः न कृतः। अस्माकं पूर्वजैः यैः खलु स्वकीयं जीवनं समर्प्य स्वकीयं जीवनमपि परित्यज्य अयं दिवसः अयं शुभदिवसः अस्मभ्यं प्रदत्तः, अतः तेषां कृते अद्य अयं कार्तज्ञदिवसोऽपि भवति। परतन्त्रतायाः पीडा कीदृशी भवति ते एव परतन्त्रतायाः वेदनां विदन्ति, यैः खलु परतन्त्रं जीवनं यापितं। मादृशाः अस्मद्दृशाः ये जनाः, येषां खलु स्वतन्त्रभारते जन्म, ते परतन्त्रतायाः भावं तथा नावबुध्यन्ते नावगच्छन्ति। परतन्त्रतायाः व्युत्पत्तिः का, परतन्त्रतायाः परिभाषा का इति तु व्याख्याने वयं समर्थाः, परन्तु परतन्त्रजीवनस्य परतन्त्रतायाः पीडा कीदृशी भवति इति तु ते एव जानन्ति, यैः तावद् सर्वं विहाय स्वकीयं जीवनमपि विहाय अयं दिवसः अस्माकं कृते उपस्थापितः। अतः तेषां पूर्वजानां समर्पितजीवनां हुतात्मनां बलिदानिनां कृते अद्य अस्माभिः अस्माकं तावद् अयं विनम्रः राष्ट्रः राष्ट्रं विनम्रं राष्ट्रं तेषां कृते कार्तज्ञं प्रकाशयति। वस्तुतः
परतंत्रतायाः पीड़ा न केवलं मानवानां कृते न केवलं मानवैः परतंत्रतायाः परतंत्र जीवनस्य दुःखानि अनुभूयन्ते अपि पशवोपि पक्षिणोपि परतंत्र जीवनेन पीड़िताः भवन्ति। एकेन कविना अत्यन्तं साधुतया वर्णितं वाशः कांचन पिञ्जरे नृपवरैः नित्यं तनो मार्जनं भक्ष्यं स्वादुरसाल दाडिमफलं पेयं सुधाभं पयः वाच्यं संसदि राम नाम सततं धीरस्य कीरस्य भो हा हा हंत तथापि जन्म पिटपि क्रोडं मनोधावति। एवमेव तावद् संस्कृतस्य एकेन कविना अप्पा शास्त्री राशि बडेकर महाभागेन भारतस्य पराधीनतायाः वेदनाम् अन्योक्तिमाध्यमेन एवं प्रतिपादितम्। सुख सुवर्णमयस्तव पंजरो नखलु पंजर एष विभाव्यताम् मुखमिदं ननु हे मसलाकिका रदन सालिमृते रतिभीषणम्। अतः अस्माकं कृते अयं दिवसः अत्यन्तं गौरवाय कल्पते, अस्माकं कृते अयं सौभाग्यस्य अवसरः। वयं सर्वे धन्याः, वयं सर्वे सौभाग्यशालिनः यत् अस्माकं पूर्वजैः अस्माकं कृते अयं दिवसः अयं शुभदिवसः अस्माभ्यं कृते प्रदत्तः। अतः बलिदानिनां कृते कार्तज्ञं प्रकाशयामः। सम्प्रति गणतंत्रता दिवस प्रसंगे स्वकीयं उद्बोधनं उपस्थापयितुं अस्माकं कुलपतिचराः श्रद्धेयाः प्रोफेसर पांडे महाभागाः। आरूढा श्वेतहंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटभृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनाम्नो कदाचित् त्यजेथा मा मे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापं मा मे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर् मास्तु कुण्ठा कदापि मास्तु कुण्ठा कदापि। परमादरणीयाः विविध शास्त्रेषु निष्णाताः प्रशासनकुशलाः अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य गौरवभूत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्रीमन्तः आचार्याः मुरलीमनोहर पाठकमहाभागाः अस्माकं सर्वेपि पीठाध्यक्षाः आचार्यकुलसदस्याः अस्माकं छात्राः सर्वेपि अधिकारिणः कर्मचारिणः विशेषतः NCC वर्गस्य अध्यापकाः अध्यापिकाः कार्यक्रमस्य अस्य संचालकाः अन्ये विश्वविद्यालयस्य प्रशंसकाः संस्कृतविद्यायाः प्रशंसकाः सज्जनाः। वस्तुतः गणतन्त्रदिवसः अयं विशिष्टः कश्चन दिवसः इतु सर्वदा सर्वत्र उच्चार्यते एव किन्तु ऐषमः गणतन्त्रदिवसः अवश्यमेव विशिष्टः यतोहि भारतस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवान्तर्गतः अयं गणतन्त्रदिवसः वर्तते। अत एव काचित् नूतना सर्वत्र सम्पूर्णे देशे दृश्यते। अस्माकं शासनेनापि विशेषतः अस्माकं माननीयैः प्रधानमन्त्रिभिः अथ च अस्माकं राष्ट्रपतिमहोदयैः बहुविधा एवं प्रकारेण कार्यक्रमाः सङ्कल्पिताः उद्घोषिताः अथ तस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्णे दत्तचित्ताः सन्ति येन अस्माकं स्वतन्त्रतायाः संज्ञानं सर्वेषां कृते भवतु तस्य महत्त्वं भवतु। सर्वे जानन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य काचित् विशिष्टा परम्परा वर्तते। गतवर्षे अथवा विगतवर्षे एकः कदाचित् समाचारः अस्माभिः लब्धः यत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अन्यस्मिन् विश्वविद्यालये अन्तर्लीनत्वस्य प्रसङ्गः आगतः।
मर्जिंग ऑफ आवर यूनिवर्सिटी अयम विषय जदा आगतः तदानीम अस्माकं सर्वे अध्यापकाः आचार्याः कर्मचारिणः भीतभीता जाताः सर्वैः सम्भूय कश्चन प्रयत्नः कृतः येन अस्माकं अन्तर्लीनत्वं न भवतु पारतन्त्र्यम् अस्माकं न भवतु पारतन्त्र शब्द मात्रोच्चारणेन अस्माकं काचित् पीडा यद्यपि तस्य कश्चन प्रभावः नागतः आसीत् केवलं मंत्रालय पक्षतः एकं पत्रम् आगतम् आसीत् यतो हि अयं विश्वविद्यालयः अन्यस्मिन् विश्वविद्यालये संस्थाने अन्तर्लीनं भविष्यति तत्र कः विधिः भविष्यति के नियमाः भविष्यन्ति कथं करणीयमस्ति मॉडलिटीज शुड बी वर्कड आउट एतादृशः कश्चन कञ्चन पत्रम् आगतम् आसीत् तेनैव सर्वे तावत् आकुलिताः व्याकुलिताः आसन् पश्यन्तु जैः पारतन्त्रं वस्तुतः अनुभूतं ये अस्माकं पूर्वजाः यथा मिश्रमहोदयैः उक्तं जैः स्वकीयं जीवनं समर्पितं भारतस्य रक्षार्थं तेषां कीदृशी पीडा आसीत् ते न केवलम् आत्मनः विषये स्वात्मन विषये तेषां चिन्ता नासीत् तेषां चिन्ता आसीत् अस्माकं देशस्य संस्कृतिः कथं सुरक्षिता सुरक्षिता भवतु अस्माकं देशे तावत् भविष्ये आगन्ताराः सन्ति शिशवः तेषां जीवनं कथं सुन्दरं भवेत् एतादृशी तेषां चिन्ता आसीत् अस्माकं पूर्वजैः संरक्षिता परिपालिता प्रतिष्ठिता काचित् या वर्तते परम्परा तस्याः परम्परायाः संरक्षणं कथं भवेत् एवमेव तेषां चिन्ता आसीत् ते बलिदानिनः बलिदानिनः तेषां तावद्भूतात्मानः तेषां स्वकीय विषये कापि चिन्ता नासीत् अतएव बहुविधा पीडा पीडामपि बहुविधां पीडामपि सोढ्वा ते सर्वदा अग्रेसराः आसन् अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतायै पश्यन्तु अस्माकं तावत् कवयः सम्यक् कथयन्ति अस्मान् अवेहि कलमान् अलमाहतानां येषां प्रचण्ड मुसलैः रवदात तैव स्नेहं विमुच्य सहसा खलतां प्रयान्ति जे स्वल्प पीडन वशान्न वयं तिलास्ते तेषां कीदृशी स्थिति प्रचण्ड मुसलैः अवताततैः प्रचण्ड मुसलानाम् अवताततैः येषाम् उज्ज्वलता भवति एवंविधा अस्माकं पूर्वजाः पीडां श्रुत्वापि पीडां भुक्त्वापि ते प्रसन्नाः सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है एतादृशा उद्घोषा कुत्र भवितुमर्हति अस्माकं भारते यो भवति अस्माकं भारतीयानां काचित् विशिष्टा परम्परा भवति ते आत्मनः कल्याणार्थं न प्रयतन्ते परार्थं परोपकारमेव तेषां जीवने सर्वस्वं भवति परोपकारे ते तत् चित्ता भवन्ति अस्माकं पूर्वकुलपतिभिः प्रायः अस्माकं शास्त्रीवर्यैः श्रुतं स्यात् तैः बहुधा उद्घोषते स्वकीये भाषणे सततसुलभदैन्ये निःसुखे जीवलोके यदि मम परिवादात् प्रीतिमाप्नोति कश्चित् परिवदतु यथेष्टं मत्समक्षं तिरोवा जगतिह बहु दुःखे दुर्लभः प्रीतियोगः अन्ये कथं तावत् प्रीताः भवन्तु अन्ये कथं तावत् प्रसन्नाः भवन्तु एतदर्थम् अस्माकं पूर्वजानां जीवनम् आसीत् इदानीं पाश्चात्यसंस्कृतौ प्रभाविताः वयं किञ्चित् आत्मविषये विचारयामः अन्यथा अस्माकं देशस्य कृते अस्माकं परम्परायाः कृते विचारः एव आसीत् इदानीमपि अस्माकं विश्वविद्यालये यावत् पुरं पूज्यानां महामहोपाध्यायानां डाक्टर् मण्डलिमिश्रमहोदयानां चर्चा न भवति अस्माकं पूर्वजानां कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर् वाचस्पति उपाध्यायमहोदयानां यावत् चर्चा न भवति तावत् अस्य विश्वविद्यालयस्य कश्चन परिचयोऽपि न भवति तैः अस्माभिः बहुभिः तावत् अस्माकं शिलोडिमहोदयैः दृष्टमस्ति डाक्टर् मण्डलिमिश्रमहोदयानां जीवनं कार्यानं भवति तथापि ते बस् यानेन गच्छन्ति अस्मि कार्यानं केषां कृते विदुषां कृते ये विद्वांसाः आगच्छन्ति अतिथयः तेषां सेवायां ते प्रेषयन्ति अस्मि स्वकार्यक्रमाः तावत् कार्यक्रमे यदा गच्छन्ति बस् यानेन गच्छन्ति तेषां जीवनं तादृशम् एकस्मिन् तावत् भवने सामान्य फ्लाट् मध्ये निवसन्ति ते तादृशाः कुलपतयः तथैव सा तामेव परम्परामनुसृत्य अस्माकं प्रोफेसर् वाचस्पति उपाध्यायमहोदयानां तैः तावत् विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं कृतं विश्वविद्यालयस्य स्थापना कृता अस्माकं संस्थापककुलपतयः किन्तु विश्वविद्यालयस्य स्वरूपम् अस्य विद्यापीठेन जल्लब्धं तत्तु प्रोफेसर् वाचस्पति उपाध्यायमहोदयानां अनयोर्मध्ये अस्माकं संरक्षकानां लालबहादुरशास्त्रीमहोदयानां जीवनं यदासीत्
आदर्शमयं जज्जीवनम् आसीत् तेषां जः उद्घोषः आसीत् अद्य अस्माकं कुलपतिमहोदयैः स उद्घोषः पठितः तदेव सूत्रम् आसीत् तत्सूत्रम् आधारीकृत्य विश्वविद्यालयस्य प्रचारः जातः भवतु गणतन्त्रस्य आवश्यकता कथं भवति अस्माकम् एकं संविधानं भवति नियमावली काचित् भवति परिनियमाः केचन भवन्ति यस्य माध्यमेन परिपालनं भवति कस्यापि राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायाः संरक्षणार्थं संविधानम् अपेक्षितं भवति येन राष्ट्रमपि सुरक्षितं भवति सम्पूर्णः देशः सुरक्षितः भवति अनेपि प्रदेशापि प्रदेशानां सञ्चालनेपि संविधानम् अपेक्षितं भवति यथा तथैव विश्वविद्यालयानां संस्थानामपि सञ्चालने एकं संविधानम् अपेक्षितं भवति संविधानम् आदृत्य ये प्रचलन्ति कार्यं कुर्वन्ति ते कुशलापि भवन्ति अन्यानपि कुशलान् कुर्वन्ति तेषां जीवनमपि पवित्रं भवति तेषां जीवने साफल्यमपि भवति परस्पर शान्तिः अपि भवति अस्माकं तावत् अभिषेक मिस् अभिषेक तिवारी महोदय यद् वाक्यं पठितं तद् वाक्यं वस्तुतः परतन्त्रतायाः महत्त्वं प्रतिपादयति यद्यपि अस्ति तद् वाक्यम् अस्माकं तावत् गणतन्त्रस्य वैलक्षण्यं यत्र सर्वेषाम् आदरः भवति यदा कश्चित् अन्यस्य आदरं करोति सोपि आदरपात्रं भवति मानपात्रं तदेव भवति यदा अन्यस्य कृते मानं करोति परस्परं प्रेम भवतु परस्परं तावत् अस्माकम् आदरभावः भवतु एतादृशी च अस्माकं वैदिकी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् एतादृशी जो जा भावना वर्तते वस्तुकः वस्तुतः वेदात् अथ च अस्माकं शास्त्रात् इयम् आगता परम्परा वर्तते यत्र सर्वेषां कृते आदरः सर्वेषां कृते कल्याणभावना अस्माकं विश्वविद्यालयेपि अस्माकं सर्वेपि कर्मचारिणः प्रसन्ना भवन्तु ते सम्मानिता भवन्तु तेषां परस्परं सम्माननं भवतु आदरपात्राणि ते भवन्तु एतादृशी भावना सर्वत्र भवतु एतदर्थमेव गणतन्त्रदिवसस्य महत्त्वं संस्थासु भवतु विश्वविद्यालयेषु भवतु इदानीम् अयं यः अवसरः कश्चन मया लब्धः तदर्थम् अहं कार्तज्ञं विभर्मि विशेषतः कुलपतिमहाभागानाम् अथ च भवतां सर्वेषां ये तावत् दत्तावधानैः अस्माकम् एतद् वचनं श्रुतम् अन्ते पुनः भवतां जीवनम् उज्ज्वलं भवतु सफलं भवतु भवतां निखिला कामना पूर्णा भवतु इति उद्घोष्य अथ च सम्प्रार्थ्य अहं स्वकीयां वाचम् अत्रैव उपसंहरामि नमस्करोमि धन्यवादः भवताम् उद्बोधनेन वयं नितान्तं प्रेरिताः उद्बोधिताश्च यथा ओजस्वी उद्बोधनं भवतां जातं तदर्थं विश्वविद्यालयपक्षतः अहं कार्तज्ञं विभर्मि सम्प्रति ये अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य परमश्रद्धेयाः कुलपतिमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् ते अवसरेऽस्मिन् अस्मान् सर्वान् स्वकीयया वचसा आप्लावयन्तु श्रद्धेयाः कुलपतिवर्याः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ती नृणा मभङ्गुरतनुत्तुषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी अस्माकं राष्ट्रस्यास्य त्रिसप्ततितमे गणतन्त्रदिवसे तत्र भवतां यस्य नाम समाश्रित्य विश्वविद्यालयं स्थापितः तेषां दिव्यसान्निध्ये समुपस्थिताः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः अग्रजवर्याः आचार्य रमेश कुमार पाण्डेय महाभागाः विश्वविद्यालयस्यास्य विभिन्नानां पीठानाम् अध्यक्षाः विभागाध्यक्षाः
आचार्याः, सहयुक्ताचार्याः, सहायकाचार्याः, एनसीसी इत्यस्य प्रकोष्ठस्य कैप्टन प्रोफेसर बीनु कश्यप महाभागा, कैप्टन डॉक्टर अभिषेक तिवारी महाभागा, एनएसएस इत्युपक्रमस्य अधिकारी महाभागा तथा च अत्र समुपस्थिताः विश्वविद्यालयस्य अन्य अधिकारिणः, कर्मचारिणः, अन्तेवासिनश्च महानयम् प्रमोदस्यावसरः अस्माकं समेषां कृते यदद्य वयं सर्वे मिलित्वा गणतन्त्रदिवसस्यास्य आयोजनं कृतवन्तः। सर्वप्रथमं अत्रोपस्थितानां अनुपस्थितानां च समेषां विश्वविद्यालयीय परिवारजनानां कृते अहम् अभिनन्दनं वच्मि, स्वागतं करोमि, वर्धापनानि दधामि एतस्मिन् पावने अवसरे। अथ इतः परं राष्ट्रभाषां समाश्रित्य किञ्चित् वक्तुमिहे, यतो हि दिवसोऽयं राष्ट्रियः, राष्ट्रस्य भाषा च हिन्दी वर्तते। महानुभाव, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, आपकी तपस्या को प्रणाम, जिस तपस्या के बल पर यह विश्वविद्यालय इस मुकाम तक पहुंचा है। आप सभी जानते हैं आज हम गणतंत्र हुए थे। 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन 26 जनवरी 1949 के दिन भारत में जो संविधान बना था, जो हमारा धर्म ग्रंथ बना था राष्ट्र को चलाने के लिए, उस धर्म ग्रंथ को संविधान सभा ने अंगीकार करवाया था राष्ट्र से, और उसके ठीक 2 महीने बाद उस संविधान को इस भारत राष्ट्र में लागू किया गया था। यही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का भेद है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमने अपना तंत्र स्थापित किया था और गणतंत्र दिवस के दिन हमने अपना संविधान स्थापित किया। वस्तुतः ये गणतंत्र कहा क्यों जाता है, रिपब्लिक कहते हैं, इसको क्यों गणतंत्र कहें? आपको मालूम है, आपको विदित है, हमारा यह भारत राष्ट्र गणराज्यों का राष्ट्र, अनेक गणराज्य थे। बुद्धकालीन इतिहास अगर आप हम देखें, अवलोकन करें, उसके पहले का इतिहास अवलोकन करें, तो समग्र भारत एक गणराज्यों का समुदित रूप था, सम्मिलित रूप था। इसीलिए इसका नाम जब 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया इस संविधान को, इसके प्रीएम्बल में भी आया द यूनियन, सोवरेन यूनियन ऑफ इंडिया, सोवरेन यूनियन ऑफ इंडिया इसको कहा गया, और यह गणतंत्र के रूप में हमारे सम्मुख प्रतिष्ठित हुआ। आज 73वां दिवस हम मना रहे हैं, 72वीं वर्षगांठ है इस गणतंत्र की। हमें देखना है, हमें अवलोकन करना है कि इन 72 वर्षों में हम कहां से कहां आए हैं। आज के इस पावन दिवस पर हमें समीक्षा करने का अवसर प्राप्त होता है अपने कर्तव्यों का। हमने क्या सोच करके इस राष्ट्र को स्वतंत्र किया था, क्या सोच करके इसको गणतंत्र किया था, और जिन आदर्शों, जिन मौलिक उद्भावनाओं, जिन सत्प्रेरणाओं, जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने स्वाधीनता अर्जित की थी, उन उद्देश्यों में कहां तक हम सफल हुए हैं, आज उसकी समीक्षा करने का दिवस है। और एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक संस्थान के रूप में, आज हमें इस संस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब से हम कितना आगे गए हैं, हमने कितने लक्ष्य की प्राप्ति की है, और अभी कितना लक्ष्य प्राप्त करना शेष है। ये सारा एक पुनर्विलोकन, एक पुनरावलोकन और आत्मनिरीक्षण करने की, आत्ममूल्यांकन करने की एक आवश्यकता आज के दिन होती है और सर्वत्र की जाती है। वस्तुतः इस दिवस वर्ष भर का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होता है। जैसे एनसीसी का प्रतिवेदन बहुत
गर्व हुआ, बहुत आह्लाद हुआ मुझे जानकर के कि इस कोरोना काल में भी हमारे एनसीसी के विंग ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके लिए मैं प्रोफेसर मीनू कश्यप और डॉक्टर अभिषेक तिवारी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और इनसे अपेक्षा करता हूं कि दिन दूना रात चौगुना हमारे इस कैडेट को, इस विंग को और आगे बढ़ाएं और राष्ट्रीय स्तर पर हम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। इसी प्रकार एनएसएस की दिशा में जो आगे बढ़ करके जो अग्रेसर हुए हैं उसमें भी हमको बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं। आज आवश्यकता है उन उपलब्धि को प्राप्त करने वाले और उनके माध्यमों की प्रशंसा करने की, उत्साहित करने की, प्रोत्साहित करने की। बंधुओं, यह अवसर होता है विश्वविद्यालय के की दृष्टि से विचार करने पर कि हमारे यहाँ जो लोग वर्ष भर निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनकी प्रशंसा की जाए। मेरी यह कामना है, मेरी यह इच्छा है, क्योंकि प्रथम बार मैं आपके बीच इस रूप में उपस्थित हूँ, एक साधारण विद्यार्थी के रूप में, एक आचार्य के रूप में उपस्थित हुआ करता था, आता था जाता था, लेकिन आज आपने हमको अपना प्रतिनिधि बनाया है, मुखिया बनाया है। इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह आपका मुखिया, यह आपका प्रतिनिधि आपकी शक्ति के बल पर खड़ा रहेगा और इस विश्वविद्यालय को उस लक्ष्य तक ले जाएगा जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे संस्थापक के नाम पर जो अभी प्रस्तर पर पूर्व कुलपति ने मुझे दिखाया, ये मैं जानता नहीं था, लेकिन कोइंसिडेंस होता है, कुछ तार हमारे बजते हैं, कुछ संवेदनाएं हमारी एकाकार होती हैं। जिस दिन मैंने कार्य ग्रहण किया था 29 अक्टूबर को, बिना इसको पढ़े संभवतः इन्हीं वाक्यों को मैंने देव भाषा के माध्यम से आपके समूह प्रस्तुत किया था। आज मुझे इस बात का तोष है, आह्लाद है कि मैंने जाने अनजाने में भी उन्हीं वाक्यों को दोहराया था जो वाक्य इसकी संस्थापना की मूल भित्ति की पृष्ठभूमि है। और आज पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ, पुनः आपको वचन देता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह आपका मुखिया, यह आपका प्रतिनिधि कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा, डटेगा, लड़ेगा और इस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचा कर ही दम लेगा। यह मैं संकल्पना करता हूं। और जो बात मैंने प्रारंभ भी की थी, मैं दूसरी तरफ आ गई। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये धारणा है कि आज 26 जनवरी 2022 को यहाँ हम एकत्र हैं, अगले 26 जनवरी 2023 को जब हम यहाँ आएंगे तो मेरी इच्छा है कि इस विश्वविद्यालय में मैं चर्चा करूँगा आप लोगों के बीच में कि प्रकोष्ठ जो हैं या जो विभाग हैं उनमें वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक प्रशंसा पत्र यहाँ दिया जाए, जो उनको अन्य कर्मचारियों को हर विभाग से मैं चाहूंगा कि एक व्यक्ति को उनके विभागाध्यक्ष वर्ष भर के प्रतिवेदन के साथ जो सीआर लिखा जाता है उनके वर्ष भर की निष्ठा के साथ रिकमेंड करें और वो रिकमेंडेशन एक कमेटी के सामने हमारे आएगी और उस रिकमेंडेशन के आधार पर प्रत्येक विभाग के एक कर्मचारी को यहाँ हम कुछ नहीं देंगे, एक कागज का टुकड़ा, एक मान पत्र देंगे और वह प्रेरणाप्रद होगा अन्य कर्मचारियों के लिए कि हमें भी यहाँ अधिकारियों के सम्मुख, हमारे मुखिया लोगों के सम्मुख ये मान पत्र, सम्मान पत्र मिलेगा। तो मेरी ये धारणा है और मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा। और दूसरी चीज एक ये कहने की है कि ये जो स्वतंत्रता की बातें की गई, अभी शिवशंकर जी ने बहुत सारी बातें की, हमारे अग्रज प्रोफेसर पांडे ने बहुत सारी बातें कही, ये वस्तुतः एक भावना का अवसर, एक सद्भावना का अवसर होता है, एक हृदय में। हम लोग जब बचपन में थे मुझे याद है प्रभात फेरियां करते थे, 6 बजे प्रभात फेरी के लिए निकल जाते थे। उस समय हमारे यहाँ प्रेस और आयरन नहीं था, हम लोग कुछ घर के ऐसे पात्रों में जिनका पेदा चिकना होता था उसमें कुछ अंगारे रख करके और अपनी कमीज और कुर्ते ठीक ठाक करते थे और तकिया के नीचे रख करके लेके मैंने अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुत करने के लिए हम उद्यत रहते थे कि पूरे नगर में हमें 1.5 घंटे 2 घंटे फेरी करनी है, लोग देखें कि छोटे छोटे बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो उस ये 26 जनवरी और 15 अगस्त अपने आप में ही एक उत्साह भरने के अवसर हुआ करते थे। आज
थोड़ी सी न्यूनता हुई है, और इस न्यूनता आज के बच्चों में वह भाव जो हमारी पीढ़ी में था या हमारी पहली पीढ़ी में था वो कुछ कम हुआ है। मैं समझता हूं इसके दोषी वे नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में स्खलन है, कहीं ना कहीं खोट हमारे उनके उनको जो हम पाल पोस रहे हैं, जो वातावरण दे रहे हैं, जो पर्यावरण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है, न्यूनता है, ह्रास है, जिसके कारण वो जाते तो हैं लेकिन वो उत्साह उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है, वो भाव उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है। मैं आह्वान करता हूं अपने सहित आप सबका कि उन बच्चों में, वही हमारे देश के भविष्य है, उन बच्चों में फिर से वो राष्ट्रीयता की भावना भरने का प्रयास करें। आर डब्ल्यू इमर्सन ने कविता कही थी, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड। तो ये हमारा राष्ट्र है, इसके प्रति हम गौरव का आधान करें। निकामे निकामे ना परजन्यो वर्षत कब चरितार्थ होगा, जब हमारा छोटा बच्चा शैशवावस्था से इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा, वह राष्ट्र के उत्थान में अपने उत्थान को देखेगा, अपने उत्थान में राष्ट्र के उत्थान को नहीं देखेगा। अगर राष्ट्र हमारा आगे है, राष्ट्र हमारा अगर अग्रेसर है तो हम भी अग्रेसर होंगे, इस प्रकार की भावना से अनुप्राणित होकर के वह कुछ करेगा। तो इस एक एक यूनिट अगर अपने अपने स्तर से करेगी तो आगे चल करके हमारा राष्ट्र पुनः वह हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र में इतना सुंदर हमारा एक परिसर है, निकामे निकामे न परजन्यो वर्षो तब चरितार्थ होगा, जब ऐसे ही परिसर हर जगह हो, ऐसी ही हरितिमा हर जगह दिखाई दे, तो जब हम चाहेंगे हमारी इच्छानुकूल वृष्टि होगी, इच्छानुकूल धूप होगी, इच्छानुकूल मौसम होगा, और प्रकृति के इच्छानुकूल कहने का मतलब है प्रकृति का एक अर्थ इच्छा भी होता है, प्रकृति के अनुकूल होगा, प्रकृति सुस्थ रहेगी, अपने में स्थित रहेगी, और हमको वो सारे वांछित फल देगी जो वांछित फल हमें अपेक्षित है। मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक भाषण और व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। अगले वर्ष चाहूँगा कि एक वर्ष में आज की तारीख से लेकर के और अगली 26 जनवरी तक हम एक विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन भी यहाँ प्रस्तुत करें। एक वर्ष में विश्वविद्यालय ने क्या किया, 365 दिनों में हमने क्या किया, उसका भी एक लेखा जोखा और उसका भी एक अपना हमारा आदर्श क्या था और कितना गोल हमने कितना अचीव किया, इसको भी हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके कि एक स्वरूप बनाएं। और मुझे प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि हमारे पूर्व कुलपति जी के प्रयास से इस वर्ष हमने दो नए कार्य शुरू किए हैं, दो नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, एक हिंदू अध्ययन में पीजी कोर्स हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है और दूसरा हिंदी साहित्य में पीजी, ये दोनों कक्षाएं दोनों कोर्स, तो ये इस वर्ष की उपलब्धि के रूप में जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके सामने रख सकता हूँ। और मैं हमारा प्रयास होगा, हम सबका समुचित प्रयास होगा कि अगले वर्ष कुछ और नए पाठ्यक्रम लेके आए। मैं चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय हरा भरा रहे, किन से, विद्यार्थियों से, ये कोरोना का कहर जाए और चप्पे चप्पे में हमारे छात्र छात्राएं पढ़ते हुए दिखाई दें, हमारे यहाँ आधुनिक और नए कोर्सेज को भारतीय परिवेश में पारंपरिक परिवेश में उनको जोड़ते हुए हम ऑफर करें, हम प्रस्तुत करें, ताकि हमारा नाम हमारा यश अपने शिखर तक अपने लक्ष्य तक पहुँचे। एक और मैं बात मुझे ध्यान आ रही है, अगर मेरी जानकारी सही है नहीं तो करेक्ट करेंगे, संभवतः इस संस्था की स्थापना 1962 में हुई थी, तो आज हम 60 वर्ष के हो रहे हैं, यानी हम हीरक जयंती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो एक और मेरी उद्घोषणा है, आप लोगों से अपेक्षा है कि हम कोई स्थापना की तिथि होगी, स्थापना दिवस, और आप लोग कहेंगे तो स्थापना सप्ताह मनाएंगे, और इस वर्ष इस विश्वविद्यालय की हीरक जयंती भी हम मनाएंगे, क्योंकि 60 साल के हम हो गए और 60 साल का होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बधाई देते हुए, शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शिवशंकर जी ने बहुत अच्छा संयोजन और संचालन किया, उनको भी स्नेहाशी पुनश्च मंगल। अभी आप सभी लोगों ने श्रद्धेय कुलपति जी के सारगर्भित उद्बोधन को सुना।
उनके मन की जो संकल्पनाएं हैं विश्वविद्यालय के बारे में, जैसा वो अनुभव करते हैं, इस विश्वविद्यालय को निरंतर आगे ले जाने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्थापित करने की जो उनकी संकल्पना है, जो उनकी भावना है और जो उनमें उत्साह है, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति को प्राप्त करेगा। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के संकल्पों को पूर्ण करने की परंपरा का यह क्रम निरंतर अग्रसर होता रहेगा और हम सभी लोग उनके इस संकल्प में सहभागी रहेंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय कुलपति जी के सारगर्भित उद्बोधन के लिए, सत्प्रेरणा के लिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है, लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबका ये बड़ा गर्व है। और अब मैं एनसीसी की कैप्टन प्रोफेसर मीनू कश्यप जी से प्रार्थना करता हूँ कि समागत समस्त अतिथियों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ओम गुरुवे नमः। श्रद्धेय कुलपति जी, माननीय हमारे पूर्व कुलपति जी, सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, सभी अध्यापक, आचार्य वर्ग, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, बड़े प्रिय लेफ्टिनेंट अभिषेक तिवारी जी, संयोजक प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, आज बहुत ही गर्व का ये दिवस है कि हमने अपने पूर्व और वर्तमान कुलपति जी दोनों के मुख से बड़े ओजस्वी शब्दों में गणतंत्रता दिवस की महत्ता को जानते हुए आगे के लिए हमें क्या करना है और हमसे क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं और किस तरह से हमारे कर्तव्यों को सम्मानित किया जाएगा, वो सब एक कड़ी में हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मुझे दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आई, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, ओ मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं। सर, जैसा कि अभिषेक जी ने एक एनसीसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो एक वर्ष की थी, कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि 96 में एनसीसी हमारे यहाँ शुरू हुआ था और हमारा ये विद्यापीठ एकमात्र ऐसा संस्कृत का विश्वविद्यालय है जहाँ शस्त्र और शास्त्र साथ साथ चल रहे हैं। गर्ल्स और बॉयज़ विंग एक साथ स्टार्ट हुए थे और जितने भी कन्वोकेशन हुए हैं और हमारे निवर्तमान कुलपति जी के मार्गदर्शन में, हमारे विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में बहुत मंत्री लोग भी आए हैं, राष्ट्रपति भी आए हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी भी आए हैं और हमारे कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर विश्वविद्यालय को बहुत सम्मान दिलाया है। उसी के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमेशा यहाँ एक जलसा हुआ करता है जो पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया। हमारे कुलपति जी को हमेशा गार्ड ऑफ ऑनर हमारे कैडेट्स देते रहे हैं और उनको सम्मानित भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता रहा है। कैडेट्स को उनके विविध पुरस्कारों को, जब वो देश के मानचित्र पर नाम रोशन करते हैं तो उनको विश्वविद्यालय भी बहुत सम्मानित करता है। बहुत ही हमारा फेवरेबल जो पक्ष है विश्वविद्यालय के कुलपति के और प्रशासन के द्वारा रहा है तो उनका मनोबल बढ़ता है। और मैं बताऊं कि हमारी 2 गर्ल्स कैडेट भी इस समय पीएम रैली के लिए सेलेक्ट हुई थी। मानसी, उनको कुछ परिवार में समस्या थी तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। दूसरी रश्मि अभी 28 तारीख को जब प्राइम मिनिस्टर रैली होगी करियप्पा मार्ग में, वो भी वहाँ चयनित है और सर्दी के मौसम में वो वहाँ प्रयासरत है। इसी तरह से कोरोना के समय में जब एनसीसी कैडेट्स का वॉलेंटियर के रूप में डिमांड आई थी तो जहाँ
अलग कॉलेज अन्य कॉलेजेस में 108 और 154 तक की वैकेंसीज हैं, वहाँ से 4 या 5 छात्राओं या छात्रों ने नाम दिया था। हमारे विश्वविद्यालय से 17 गर्ल्स ने वॉलंटियर हेल्प करने के लिए अपना नाम दिया था और उन्होंने ट्रेनिंग भी प्राप्त की थी और अलग अलग कार्यों में उन्होंने अपना सहयोग भी दिया था। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सर आपके संज्ञान में लाना चाह रही थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय जो है वो एक मालगुडी डेज में, जैसे हमने आर के नारायण के जब नॉवेल्स पढ़े थे तो देखा था कि मैक्रो और माइक्रो चलता है, जो देश है वो हमारा एक व्यापक रूप है और हमारा विश्वविद्यालय उसका माइक्रो स्वरूप है। तो जिस तरह से देश की ये युवावस्था शुरू हुई है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो जैसा आपने कहा हमारे विश्वविद्यालय का भी 60 वर्ष पूरा होने पे वो विश्वविद्यालय भी देश का एक माइक्रो रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और आपके ही इस मार्गदर्शन में बहुत आगे बढ़ेगा। इस सब के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, पुनः पुनः स्वागत करते हैं और अपने सभी यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे गणमान्य संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, आचार्य गण हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से, आपके होने से ही ये हमारा गणतंत्र दिवस सार्थक हो पाया। और अपने पूर्व कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे ओजस्वी शब्दों में हमें यहाँ संबोधित किया, और अपने वर्तमान कुलपति जी का विशेष आभार कि सर ने जो नए दो चीज़ों को हमारे सामने रखा पुरस्कार के लिए, तो मुझे लगता है सभी में एक बहुत अधिक ऊर्जा भर गई है। आज से वो अपने विभागों को और अधिक ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे और अपना 100% जो कहा जाता है वो अपने कर्तव्य के प्रति, कर्तव्य निष्ठा के प्रति दिखाएंगे। मैं पुनः अपने संयोजक जी का भी धन्यवाद करती हूँ, पुनः पुनः सभी का धन्यवाद, नमस्कार। सभी का धन्यवाद करने के लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जनगण हृदयानाम नित्य महलादकारी, सकल बुद्ध विकाशो दुख पीड़ा पहरता, प्रतिदिन मपि नाना योजना भी समृद्धो, भवतु भूय सस्यो देशे स्वतंत्रः, सर्व पक्षपातेषु स्वदेश पक्षपातो महान। इस मंगल कामना के साथ यह कार्यक्रम यही सुसंपन्न होता है।